किसने बता दिया आपको कि भिक्कू का मतलब भीख मांगना होता है या भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है, या भिक्कुणी का मतलब भिकारिन होता है, या भिक्ता का मतलब भीख होती है, या जो भिक्का चर्या होती है इसका मतलब भीख मांगने का कार्यक्रम होता है, और किसने कह दिया कि भिक्का चर्या का मतलब भिक्काटन होता है या भीख मांगना होता है। ये कुछ जो शब्द हैं बहुत ऊंचे, इनको इतना नीचा कर दिया गया है जानबूझकर। और हमारे अधिकतर जो ज्ञानवान लोग हैं और जानकार लोग हैं, चूंकि वो भिक्कू तो कभी बने नहीं, किताबें पढ़ी हैं, तो उनको समझ में आता नहीं कि ये क्या शब्द से क्या बना है, इसका क्या मतलब है। भिक्कू और भिक्कुणी जो शब्द है वो बहुत ऊंचे हैं, संघ में उनका बहुत मान और बहुत सम्मान है। भिक्कू और भिक्कुणी के मुकाबले में कोई भी व्यक्ति या मनुष्य या देवता ऊंचा नहीं है, अगर वो अर्हत ना हो या अगर भगवान बुद्ध या बोधिसत्व ना हो। यानी बोधिसत्व भगवान बुद्ध या जो पच्चे बुद्ध हैं, अगर उनके बाद नंबर आता है तो अर्हत भिक्कू का आता है या भिक्कू, बहुत ऊंची अवस्था है। ये ऊंची अवस्था ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, कोई भीख मांगकर प्राप्त नहीं हुई है। कहीं कोई भिक्कू या भिक्कुणी भीख मांगता आपको दिखाई देगा नहीं। कोई बहुत लर्निड हो, जानकार हो, दुखों से मुक्त करता हो, अच्छी विद्या रखता हो, दुनिया की सबसे बड़ी जानकारी रखता हो और वो आपको धम्म दान देता हो, वो आपसे भिक्षा मांगेगा? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, कैसे समझ लिया? आपने शब्दों के हेरफेर को आप समझ क्यों नहीं पाए? जो भदंत होता है, भदंत, भदंत का मतलब होता है भद्द और दंत। भद्द माने होता है जो बहुत अच्छा, बहुत जानकार, सुशील और पांचशील मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भद्द बोलते हैं। जैसे भद्द पुरुषा, यानी भद्द ऐसे नर नारी जो इन नियमों का पालन करते हैं। भद्द को बाद में भद्र बना दिया गया और चढ़ाकर उसको भद्दा भी बोला गया। यानी भद्दीय जो बोलते हैं, जैसे कहते हैं भद्र पुरुष है, यानी बहुत शालीन और बहुत अच्छा सीलों को मानने वाला पुरुष है, नर है, नारी है। और अगर इसको भद्द बोल दें या भद्दिका बोल दें या कहें भद्द पिट गई, तो ये खराब शब्द हो गया। यानी इस शब्द को खराब करने की कोशिश की गई मगर ये हुआ नहीं। एक भद्द का वीडियो मैंने बनाया, देख लें आप। और जो दंत का मतलब है, दंत का मतलब है पुरानी पाली भाषा के अंदर संयम, जो संयमित रहता हो, अपने अंदर रहता हो, जो पाप कर्म ना करता हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा समता है, संयम है। दंत माने संयम बोलते हैं। जिस भी शब्द के आगे अगर दंत लग जाए, इसका मतलब है कि वो भगवान बुद्ध का भिक्कू रहा होगा। तो भद्द प्लस दंत का जो शब्द मिलके बना वो मिला भदंत, यानी ऐसा शालीन व्यक्ति, नर है या नारी है, क्योंकि पुरुषा माने दोनों होता है, पुरुष माने दोनों होता है, नर भी नारी भी। तो ऐसा भद्द यानी कि ऐसा जानकार, ऐसा समझदार व्यक्ति जिसने अपने आप को संयत कर लिया है, यानी उसको बोलते हैं भदंत। भिक्कू का मतलब क्या है? भिक्कू का मतलब है जो भद्द व्यक्ति है, जो देखता है। देखता क्या है? पाप को आते हुए, पाप को जाते हुए, यानी बुराई को आते हुए, बुराई को जाते हुए, जो अच्छी तरह से दुनिया में देखता घूमता है, जो जानता है कि ये कर्म ठीक नहीं है, ये कर्म खराब है, उस देखने वाले को, उस दिखा वाले को, उस भद्द को भिक्कू बोलते हैं। और जो अगर नारी है तो भिक्कुणी बोलते हैं। तो भदंत हो गया या भिक्कू हो गया या भिक्कुणी हो गया, और उसी भदंत को बाद में छोटा करके भंते बोला जाता है, जो भगवान बुद्ध भंते बोला करते थे। तो भिक्का का मतलब है जो भद्द पुरुष देखना जानता है, भिक्का। तो भिक्कू जब भी जाता है, क्योंकि उसको खाना चाहिए, तो वो चारिका करेगा। तो किसकी चारिका करेगा? वो करेगा धम्म की चारिका करने जाता है, धम्म सिखाने जाता है। तो पहले धम्म सिखाएगा, उसके बाद में आपसे भोजन लेगा। भोजन लेने को बोलते हैं पिंड दान या पिंड चारिका। चारिका माने घूमना और पिंड माने जो होता है भोजन या आहार होता है। पिंडी माने होता है झुंड, आहार का झुंड या गोला, क्योंकि वहां चावल ज्यादा मिलता था और चावल के गोले बना के खाए जाते थे हाथ से, चम्मच तो थी नहीं, तो हाथ से चावल का गोला बना के और मुंह में रख के खाया जाता था, उसको बोलते थे पिंडी और पिंड बोलते थे आहार को। आज भी साउथ के अंदर हमारे जितने भी पुराने लोग हैं वो चावल को हाथ से गोला बना के और खाते हैं, सटक जाते हैं। ये वही पुरानी परंपरा है पिंडी की, पिंडी पात की। तो उसको बोलते हैं पिंड दान, यानी पिंड दान करना है। जब कोई देता है, दान माने देना, पिंड माने भोजन, तो पिंड दान हो गया। तो भिक्कू कभी भी पिंड दान के लिए नहीं जाता। भिक्कू जब भी जाता है वो भिक्का के लिए जाता है, यानी कि धम्म सिखाने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है कि आचार व्यवहार कैसा है। उसका नियम है कि वो जाके दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं मुंह से कुछ भी।
आपने देख लिया और आपने धर्म लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने धर्म नहीं लिया या नहीं देखा तो वो अगले दरवाजे पे चला जाएगा। अमूमन चूंकि उनकी छवि इतनी ऊंची और इतनी गजब की होती थी कि लोग उनको देखते ही नमस्कार करते थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता था, वहां से ज्ञान मिलने वाला है और जीवन में सफल होने वाला है, जीवन को सफल करने वाला ज्ञान है। तो बैठाते थे उनको, धम्म लेते थे, वो धम्म का दान करते थे, उसके बाद में पिंड दान होता था, यानी इधर आपने धम्म दिया नहीं उधर आपको पिंड मिलता था। उस पिंड को लेके, उस आहार को लेके, पूरे सारे आहार को इकट्ठा करके आना पड़ता था, और आहार इतना ही लेना है जितना उस रोज के लिए काफी है, ज्यादा नहीं ले सकते। पांच घरों में जा सकते हैं, पांच घरों में मिल गया तो ठीक है, जैसे ही पूरा हो गया लौट के आ जाएंगे, चाहे पहला घर है या दूसरा घर है या तीसरा घर है या चौथा या पांचवा, और नहीं मिला तो फिर वापस आ जाएंगे। और जिसने जो डाल दिया वही उसमें रखना है खाने का, और सारा खाना मिक्स करना है। ये भी नहीं देखना कि खाना इसने क्या दिया क्या नहीं दिया, यानी कि अगर तीन जगह से खाना मिला है तो तीनों में अंतर नहीं करना है कि उसका खाना अच्छा था या उसका अच्छा था, या जिसने खाना ज्यादा दिया या कम दिया, ऐसा भी नहीं। डाल दे बस जो पात है, जो बर्तन है, जो बर्तन बना हुआ है, चाहे वो लकड़ी का है, चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो मिट्टी का है, उसमें डाल दे। उसके बाद वो अपने बिहार आ जाते थे, और जितने भिक्कू होते थे वो सारा खाना मिला के, जितने होते थे सारा खाना मिला के, और सूरज सर पे चढ़े इससे पहले ही उसको खा लेते थे, और 20% कम खाते थे, यानी कि 20% का हिस्सा पेट में कम रखते थे, पूरा पेट भर के नहीं, और जो बच गया उसको दान कर देते थे या जरूरतमंद को दे देते थे या उसको चिड़ियों को जानवरों को खिला देते थे, खाना खराब नहीं जाता था। तो ऐसा जो भगवान बुद्ध ने जो नियम बनाए उसमें कहीं भी भीख मांगने का नहीं है, यानी इसको मांगना नहीं बोलते, मांगने को बोलते हैं याचना, याचना होता है मांगना। लोग बेसिकली बुद्ध से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, धम्म मांगते हैं। और बुद्ध जब तक भिक्कू आपको धम्म नहीं देगा, जब तक आप उससे याचना नहीं करेंगे, यानी कि अगर भिक्कू आपके पास आ भी गया तो आपको याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा, आपको याचक बनना पड़ेगा, याचती करना पड़ेगा, यचन करना पड़ेगा, तब भिक्कू आपको धम्म का दान देगा, बिना मांगे नहीं देगा। तो भिक्कू और भिक्कुनी वो ऊंची हस्ती है कि आपको मांगना है उनसे दान, वो नहीं मांगते, वो तो खड़े हो जाते हैं अगर आपने भोजन दे दिया, क्योंकि भोजन शरीर की आवश्यकता है। अगर शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो भिक्कू और भिक्कुनी जिंदे नहीं बचेंगे, तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो समाज का कल्याण होगा नहीं, इकट्ठा करने की परंपरा है नहीं, और काम करने के लिए उनको मना किया हुआ है, खेती नहीं कर सकते, अनाज पैदा नहीं कर सकते। बहुत बलिष्ठ होते हैं, बड़े साफ सुथरे होते हैं, कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, आम के बाग पाल सकते हैं, कोई ना कोई संसाधन कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, मगर नियम नहीं है करने का, क्योंकि अगर खेती में या बिजनेस में या व्यापार में अगर वो लग गए तो फिर वो मनुष्य के कल्याण की जो विद्या है उसको नहीं सीख पाएंगे, और वो खुदबुर्द हो जाएगी, फिर व्यापार में लालच भी आ सकता है, व्यापार के काम में बिजी हो सकता है। इसलिए अगर वो बिहार में भी रहेंगे तो बिहार में सब्जी नहीं उगा सकते, बिहार में रहेंगे तो बिहार में फल फ्रूट के पेड़ लगाएंगे तो उनको लालच आ जाएगा, अपने आप उग गया ठीक है, किसने दे दिया ठीक है, मगर वो नहीं करेंगे, ये उनका नियम है। तो भिक्कू याचना कभी नहीं करते, यानी मांगते कभी नहीं है, वो बैगर नहीं है, भिखारी नहीं है। आज के शब्द में भिक्ता को भीख मांगना बोलते हैं, और अधिकतर किताबों में भिक्ता टन और भिक्कू और भिक्कुनी का मतलब भीख मांगने वाला और मांग के खाने वाला है। एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा आपको पूरे पाली साहित्य में कि भगवान बुद्ध का सावक और शिष्य और इतना ऊंचा पढ़ा लिखा कभी किसी के आगे हाथ जोड़ के खाना मांगते हुए, मर जाएगा मगर मांग नहीं सकता, उसके नियम के, उसके धम्म के विरुद्ध है। इसलिए इस बात को अपने कान में डाल लीजिए कि भिक्कू और भिक्कुनी भिखारी नहीं होते, भिखारी होते हैं वो जो धम्म की याचना करते हैं, वो मांगते हैं, भिक्कू उनको देता है, और जब उनको धम्म सिखाता है, धम्म बताता है, बदले में पिंड लेता है आपसे, आहार लेता है, आपकी मर्जी है आपने धम्म सीखने के बाद आहार देना है या नहीं देना है। नहीं दोगे तो शिकायत भी नहीं करेगा, आप पे गुस्सा भी नहीं करेगा, आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, उसके मन में लेस मात्र भी ये बात नहीं आएगी कि धम्म सिखाया और पिंड नहीं मिला, उसको पिंड मिल जाता है। ये कमाल की बात है कि कोई भिक्कू आज तक की हिस्ट्री में भूखा नहीं मरा, लोग उनको दे देते हैं, बड़े समझदार और बड़े लर्निड और पढ़े लिखे होते हैं। अगर वो चाहें और अपना भिक्कू जीवन छोड़ें तो बहुत सफल व्यवसायी बन सकते हैं, बहुत सफल वो शिल्पकार बन सकते हैं, बहुत सफल वो विद्वान बन सकते हैं, बहुत सफल प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सफल वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर समता होती है, मैत्री होती है, करुणा होती है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, लालच नहीं होती, उनकी सफलता कहीं रुकने वाली नहीं है।
इसलिए उन्होंने दुनिया का सबसे मुश्किल काम लिया, लोगों के चरित्र को सुधारना, लोगों के व्यवहार को सुधारना, लोगों के जीवन को सुधारना, इस दुनिया को ठीक करना, इस दुनिया को सच्चाई पे और ईमान पे लेके आना। इसलिए जो डिक्शनरी के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे भिक्तक है, भिक्कति है, भिक्कन है, भिक्का है, भिक्काचर्या है, भिक्काहार है, भिक्कु भाव है, भिक्कुणी है, भिक्कु संघ है या भिक्कुणी भिक्कु संघ है, ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, इसमें कहीं किसी शब्द से रिफ्लेक्शन नहीं होता कि वो भिखारी हैं। और जितने भी शब्द याचक के दिए हुए हैं, इसमें याचक है, याचिका है, याचती है, याचना है, याचन है, याच है, वो सारे के सारे मांगने वाले होते हैं, जो मांगते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट, एक एक शब्द स्पष्ट है। जो आपने एक शब्द सुना होगा दक्षिणेव, एक जब हम बोलते हैं संघ वंदना में आता है तो आता है दक्षिणेव, यानी दक्षिणेव, लोग उसका मतलब बताते हैं कि दक्षिणा देने योग्य, यानी भिक्कु संघ ऐसा है कि दक्षिणा देने योग्य है। भगवान बुद्ध के सावक संघ, भिक्कु संघ, भिक्कुणी संघ कभी दक्षिणा नहीं मांगता, उसको कोई आदेश नहीं है कि दक्षिणा। दक्षिणा शब्द को बदल दिया गया, दक्षिणा शब्द को भिखारी शब्द में और मांग में, याचिका में बदल दिया गया। दक्षिणा के दो शब्द हैं, एक जो बाद में है इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, यानी दक्षिण दिशा को दक्षिणा बोल दिया, जबकि दिशा अलग तरह की है। और दक्षिणा का जो पाली के मतलब है, उसका मतलब है दक्षिणेव, यानी कि देखने योग्य, दर्शन योग्य, यानी भगवान बुद्ध का सावक संघ, भिक्कुणी भिक्कुणी इतने अच्छे, इतने बढ़िया, इतने अच्छे ऊर्जावान, इतने शांत, इतने करुणामयी, इतने ज्ञानवान, इतने अर्हत, इतने सोतापन, इतने सकदागामी, कि वो देखने योग्य है, उनको देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। दर्शन से, देखने से आपके मन में एक पॉजिटिव भावना आएगी कि देखो ऐसा भी भिक्कु संघ होता है जो ना आडंबर सिखाता है, ना झूठी बात बताता है, ना शराब पीता है, ना गांजा पीता है, ना चरस पीता है, ना अफीम पीता है, ना हिंसा करता है, ना व्यभिचार करता है, ना झूठ बोलता है, इतने ना ऊपर सोता है, ना सोना चांदी लेता है, ना पैसा लेता है, सारे के सारे जितने विनय के नियम है सबको मानता है जो भगवान बुद्ध ने बताए। ऐसा भिक्कु संघ, ऐसे लोग, उनका दर्शन करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं दक्षिणेव, उनको देखना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि दक्षिणियों का मतलब, दक्षिणा जो बताया है वो पाली का नहीं है, वो भिक्कों का नहीं है। भिक्कू अगर कोई दक्षिणा मांगता है, अगर कोई भीख मांगता है, तो भिक्कू नहीं है, भिक्कुणी नहीं है, नियम नहीं जानता, विनय नहीं जानता, शासन पढ़ के नहीं आया है, शासन मतलब शिक्षा पढ़ के नहीं आया है, विनय पढ़ के नहीं आया है, उसकी उपसंपदा नहीं हुई है। उपसंपदा का मतलब है उसका जो उसका गुरु है, जो उसका भिक्कु में जो उसका टीचर है, उसने उसको एडिट नहीं किया है, संपादन नहीं किया उसकी बुराइयों का, उसकी बुराइयां निकाली नहीं है, इसको वैसे ही सर्टिफिकेट दे दिया है, या वो भिक्कु भी वैसा ही होगा। ये बिल्कुल क्लियर आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भिक्कु और भिक्कुणी बहुत ऊंची चीज है। कभी 10 दिन के लिए भिक्कु और भिक्कुणी बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या होते हैं। धन्यवाद।